शनिवार और हम लोग हो गए रेडी। मैं भी नहा ली हूँ, तनु भी रेडी हो गया, कुकु भी, यानी हमारे घर से सब नहा लिए हैं। और मैं अभी भगवान जी को नहला के आई थी, वहाँ पे स्थापना हो रही है ना, तो वो भगवान जी आज नहलाए गए थे। बहुत सी कुछ ऐसी क्लिप थी जो मैं शूट नहीं कर पाई, जो दिखाना था, पर मैं आपको जब आगे ब्लॉग शूट करूँगी ना तो उसमें बोल के बता दूँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि हर जगह वीडियो बनाना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही मतलब बुजुर्ग लोग थे हमारे यहाँ के, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और वीडियो बनाने वाला तो या तो मैं हूँ या कुकू है, और वैसे मयंक ने भी बनाई, कुछ कुछ बच्चों ने भी बनाई है। हेलो कर लो भाई। ये मेरे व्लॉग स्टार्ट करने से पहले की क्लिप है। मैं नहा भी नहीं पाई थी, तो मयंक की अम्मा जी आई कि चलो भोले बाबा जी नहलाए जा रहे हैं, तो फिर वो पालकी में बैठ जाएगी ना इस वजह से, तो तुम भी नहलाए। पर मैं तब तक नहाई नहीं थी, फिर मैं फटाफट से नहाई, और फिर भोले बाबा जब तक नहा चुके थे, इनको ना एक बर्तन में रख के गंगा जल दूध दूध से सबसे नहलाया गया था, तो वो नहला के फिर इनको यहाँ भी बाहर रख दिया। फिर मैं रह गई, तो वो बोले कि आप है ना ऐसे ही छींटे मार के नहला दो और फिर सोच लेना। ये है गुलाब जो वहाँ पे जो पालकी सजेगी ना उसके लिए, ये सारे मैं सारे ले। कुकु कुकु ले, तन में छोड़ो जा। भाई मैं काजू को किसको देखूं? इन महाशया को देखो, ये देखो मैं चीला, मैं पकड़ लूं। हम काम में मगन थे, हमारा वहाँ पर नहलाने लाने गई थी, और ये किचन में मगन थे। मम्मी मैं पकड़ लूंगा। नहीं ये जाएगा, उंगली काट लेगा, मान जा। कितना बड़ा है इसे अभी यहाँ पर टांग देते हैं, फिर जब विनीत जी आएंगे तब वो छोड़ के आएंगे खेतों पर, है ना? खड़े टंगे रहो यहीं पे। ये देखो अब यहीं पर लटके रहो बेटा। छोटी दीदी और बड़ी दीदी दोनों आ गए हैं, सुबह 8:30 पर आ गए थे, और ये लेकर आई थी शुगर चेक करने वाली मशीन, तो मम्मी का शुगर चेक कर रही, क्योंकि छोटी जया जी को भी शुगर है ना इस वजह से। और ये देखो मेला हो गया है तैयार, सभी लोग तैयार हैं और डीजे का वेट कर रहे हैं। विनीत जी डीजे लेने गए थे, तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया उन्हें गए हुए, अभी तक वो डीजे नहीं लेके आए, सब इसी वजह से रुके हुए, सब यही कह रहे हैं डीजे कहाँ है, डीजे कहाँ है, यही मच रहा है। तो यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये पालकी तैयार हो गई है शिव जी की, इसमें ना ये पालकी जो है इसमें पूरा शिव परिवार बैठा है, भोले बाबा, नंदी बाबा और गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, गौरव, ये सभी बैठे हैं, साथ में कुछ बच्चे भी बैठ गए। और ये ना पूरे गांव में इसकी परिक्रमा लगेगी, बाहर बाहर ही लगा पाएंगे, क्योंकि गांव में तो कुछ छोटी गलियां में वहाँ पे नहीं जा पाएंगे। तो निशा है बोल रही हैं, और पीछे जो हमारे ये वो लगते हैं चाचा जी लगते हैं, तो इसमें बैठे हैं वो सबको प्रसाद रास्ते में जो भी घर पड़ेंगे ना, जो भी मिलेगा उनको प्रसाद देते चलेंगे। और यहाँ पे एक घंटा भी टांग दिया है, ये बाद में मंदिर में टंग जाएगा, अभी यह पूरे गांव में ये बजाते हुए जाएंगे। ये सभी लोग अपना डांस के लिए तैयार हो रहे हैं।
पता है इस दिन है ना इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। बहुत एंजॉय किया था, सब लोग इकट्ठे हुए थे, सारे रिलेटिव दूर दूर से, और हमारे दोनों घर की यानी निशा के घर की यानी हमारे घर की निशाए घर की जो भी बेटियाँ जिनकी शादी होगी वो लोग भी इकट्ठे हो गए थे, दीदी लवी वगैरह। बहुत अच्छा लगा था, सब ने डांस किया काफ़ी, आपने देखा होगा। और मुझे नहीं पता क्या मैंने गाने लगा दिए, पता नहीं कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा, पर मैंने साथ में म्यूज़िक लगा दिया। ये मनीषा हैं, इनकी बेटी सची में इनकी गोद में से बिल्कुल भी नहीं उतरती, बिल्कुल भी। और इस दिन जो है ना आप ये समझ लो कि ये दिन एकदम बहुत ही खास सा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मेरी मायके से भी पता है ये कुकू और श्रेया डांस कर रही है, यानी मनीषा की बेटी है ये। मेरी साइड से मतलब मेरी मायके साइड से मेरी भाभियाँ लगती हैं और यहाँ की वो बेटी लगती हैं, वो भी आई थी, मैं दिखाऊंगी आपको। ये जो पीछे ब्लू साड़ी वाली है ना ये मेरी भाभी लगती है, और यहाँ से देखो ना तो ये मेरी जेठानी की बेटी लगती है। तो मगर मम्मी भी, मम्मी ताई जी भी गए थे साथ में, जबकि मम्मी से चला नहीं जाता, तो मम्मी कुछ दिन कुछ दूर चली थी, मतलब कि वो फिर मम्मी को भी नहीं जीना है ना, डीजे वाले ऑटो पे बिठा लिया था आगे, मम्मी को बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर फिर उनसे चला नहीं जा रहा था तो इसलिए बिठा दिया। और मम्मी का मन था कि मैं भी परिक्रमा में घूमूं, तो यहाँ पे ये मंदिर के आगे आ गए हैं भगवान जी, तो इनको यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार मैंने पता है काफ़ी खुल के ब्लॉगिंग की है, काफ़ी खुल के।